कद्दू की सब्जी बच्चे खाने से अक्सर कतराते हैं, साथ ही ये बड़ों को भी नहीं पसंद आती है। तो मैंने आज बिल्कुल अलग तरीके से कद्दू की सब्जी बना के तैयार किया है। इसके लिए मैंने एक कढ़ाही ली है और कढ़ाही में डाला है 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में इसमें जो पंजेंट स्मेल आता है सरसों का, वो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। तो यहाँ पर साथ ही मैंने डाल दिया है 2 तेज़पत्ता, 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच मेथी के दाने, जो 1 छोटा चम्मच सौंफ, साथ ही कलौंजी, और इन सभी चीज़ों के साथ हम डालेंगे जीरा। इन सारी चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे। 30 सेकेंड्स में ये मसाले भून के हमारे तैयार हो जाते हैं। कद्दू को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है और उससे पानी को बिल्कुल हटा दिया। इन टुकड़ों को, कद्दू के पीसेस को हम डाल देंगे कढ़ाही में। मिनट के लिए कद्दू को भून लें और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच सौंफ पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च चिली फ्लेक्स वाले, और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च डाला है, और लाल मिर्च आप अपने अकॉर्डिंगली ही डालें। साथ ही मैंने इसमें आधा चम्मच काला नमक डाला है और आधा चम्मच गरम मसाला। अभी मैंने इसमें सादा नमक नहीं प्रयोग किया है, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में ही सादा नमक प्रयोग करेंगे कद्दू के पीसेस गल जाएंगे और सब्जी हमारी बिल्कुल मैसी बनेगी। तो हमें सब्जी को बिना मैसी किए हुए ही पकाना है, तो मैंने सिर्फ आधा चम्मच काला नमक डाला है और बाकी का बचा हुआ नमक हम इसको लास्ट में डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम कर दिया है और अच्छे तरीके से सारे पीसेस को फैला लें और उसके बाद कवर कर दिया है। हमें कवर करके इसको लगभग 10 मिनट के लिए पकाना है। 10 मिनट में कद्दू अच्छी तरीके से पक जाता है और उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे। साथ ही इसमें अब हम डालेंगे लगभग 3 से 4 चम्मच पानी और इस पानी से अभी हमारा कद्दू और हल्का सा पकेगा। लेकिन इस पानी के साथ ही हमें डाल देना है इसमें 2 चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर आपके पास है तो वो डालें, अदरवाइज आप इसमें खटाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही हम लोगों ने स्टार्टिंग में नमक नहीं डाला था, तो अब हम यहाँ पे नमक, आधा चम्मच नमक इसमें लगभग बढ़ा रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा रखें। साथ ही यहाँ पे मैंने लगभग 1 बड़े साइज़ के नींबू बराबर गुड़ लिया है, जागरी। जागरी इसे डालने से जो इसमें चटपटा सा टेस्ट आता है वो बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। तो आप इस तरीके से जब अमचूर पाउडर और गुड़ के कॉम्बिनेशन से कद्दू की सब्जी बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। और अमचूर डाला है तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, यानी कि 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी डाल दें। और उसके बाद अब हमें देना है इसको 2 से 3 मिनट का टाइम। इसको कवर करके हम कुक करेंगे, जिससे कि जो हम लोगों ने मैंगो पाउडर डाला है, यानी कि जो अमचूर डाला है, वो पूरी तरीके से इस सब्जी में अंदर तक भीग जाए, अंदर तक ये एब्जॉर्ब कर ले। और अब हमारी सब्जी एकदम लाजवाब है दोस्तों। ये पूड़ी के साथ, पराठे के साथ बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगती है। साथ ही यूपी में इसे पूड़ी के साथ खाया जाता है, तो आप भी इसे पूड़ी के साथ बना के ज़रूर इन्जॉय करें। कद्दू की सब्जी नॉर्मली बहुत से लोगों को नहीं पसंद आता है, तो मुझे ये स्टाइल कद्दू बनाने की सबसे अच्छी लगती है और ये मेरा फेवरेट भी है। साथ ही इसकी गार्निशिंग मैंने पुदीना के पत्ते से की है। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसके अंदर भी आप पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं। जब कद्दू की सब्जी ऑलमोस्ट पक जाए तो उसमें पुदीने के पत्ते चॉप करके डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट काफ़ी इन्हांस हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टिल माई नेक्स्ट वीडियो कम्स।